दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंगल फेस और थ्री फेस कनेक्शन के बारे में कि इनमें क्या अंतर होता है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे घरों में, दुकानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में या फैक्ट्रियों में जो भी उपकरण होते हैं या मशीनें होती हैं वो बिजली से ही चलती हैं। और आप सभी ये बात भी जानते होंगे कि ज़्यादातर घरों में सिंगल फेस का कनेक्शन होता है जबकि फैक्ट्री वगैरह में थ्री फेस का कनेक्शन होता है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से जो करंट भेजा जाता है वो एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है। अगर हम बात करें सिंगल फेस कनेक्शन की तो सिंगल फेस कनेक्शन में करंट भेजने के लिए सिर्फ एक तार का ही इस्तेमाल किया जाता है और वहीं थ्री फेस के कनेक्शन में करंट तीन तारों के जरिए भेजा जाता है। मतलब सिंगल फेस में करंट एक तार से और थ्री फेस में करंट तीन तार से भेजा जाता है। आपको बता दें कि सिंगल फेस ज़्यादा हैवी लोड नहीं झेल सकता है जबकि थ्री फेस का कनेक्शन ज़्यादा हैवी लोड आसानी से झेल लेता है। दोस्तों थ्री फेस के कनेक्शन का एक फायदा ये भी है कि इसमें पावर का यानी कि बिजली का जो लोड होता है वो तीन फेस में बढ़ जाता है जिससे एक फेस पर सारा लोड नहीं पड़ता है। और अगर कभी किसी वजह से एक फेस बंद हो जाता है तो बाकी के जो दो फेस होते हैं वो चलते रहते हैं जिससे बिजली पूरी तरह से नहीं जाती है। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि घरेलू इस्तेमाल के लिए सिंगल फेस ही काफ़ी होता है और थ्री फेस का इस्तेमाल कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज में ही किया जाता है। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, अब काफ़ी घरों में भी थ्री फेस के कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। दोस्तों अगर आप अपने घर में एक दो एसी, हीटर, गीजर और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं तो आपको थ्री फेस का कनेक्शन ही लेना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके घर में बिजली का लोड 5 से 7 किलोवाट से ज़्यादा है तो बिजली कंपनियों के द्वारा आपको थ्री फेस का कनेक्शन ही दिया जाता है। और यहाँ आपको एक बात और बता दें कि अगर आप सिंगल फेस के कनेक्शन को थ्री फेस के कनेक्शन में बदलवाते हैं तो आपको आपके घर की वायरिंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।